गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम बात करते हैं अपने यूनिट थ्री के पश्चात्य विचारक जीडीएच कॉल की। जीडीएच कॉल का जन्म, सबसे पहले हम जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म 25 सितंबर 1889 को इंग्लैंड में हुआ। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपना अध्ययन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैकडॉनल्ड कॉलेज से किया और वहीं पर ये राजनीतिक सामाजिक प्रवक्ता के रूप में जो है इनकी नियुक्ति हो गई। उसके बाद इनके अपने विचारों के कारण ये फेबियन सोसाइटी के सदस्य बन गए। फेबियन सोसाइटी के अध्यक्ष बनने के बाद इनके विचारों में कुछ और तीव्रता आई और इन्होंने एजुकेशनल फंक्शनल वर्कर के रूप में जो है कार्य किया और एक जनवरी 1959 को मधुमेह रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं जीडीएच कॉल की रचनाएं। जीडीएच कॉल ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: सोशल थ्योरी, फेबियन सोशलिज्म, एसे ऑन सोशल थ्योरी। इस तरीके से इन रचनाओं में उनके विचारों का वर्णन हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जीडीएच कॉल के राजनीतिक विचार क्या थे। सबसे पहले उन्होंने जो महत्वपूर्ण विचार दिए वो हैं बहुलवादी। बहुलवादी शब्द का अभिप्राय होता है कि जिस तरीके से समाज में अन्य समुदाय होते हैं, स्कूल है, चर्च है, आर्थिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, इसी तरीके से राज्य भी एक समुदाय है, राज्य को कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। तो जीडीएच कॉल का मानना है कि समाज के अंदर विभिन्न समुदाय हैं और इसके अलावा हमारे समाज का एक सामाजिक वातावरण होता है। प्रत्येक व्यक्ति उस सामाजिक वातावरण में रहकर कार्य करता है। यही जो सामाजिक वातावरण एक व्यक्ति को मिलता है, इससे व्यक्ति का अपना विकास होता है और इसी को ही जीडीएच कॉल ने सामाजिक सिद्धांत या सोशल थ्योरी का नाम दिया है। सोशल थ्योरी के अंदर यह बताया गया है कि एक व्यक्ति, चाहे वो एक अध्यापक है, चाहे वो एक कामगार मजदूर है, वो जिस तरीके से कार्य करता है समाज के अंदर, उनके आपसी जो रिलेशन बनते हैं उसको हम कार्य का सिद्धांत कहते हैं और उस कार्य के सिद्धांत से ही सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो राज्य भी इसी प्रकार राजनीतिक गतिविधियों को करता है, इसलिए राज्य जो है वो अन्य समुदायों से अलग ना होकर इसी प्रकार का एक समुदाय है। तो राज्य जो है एक बहुलवादी समुदाय के रूप में माना जाना चाहिए, ऐसा जीडीएच कॉल का मानना है। दूसरी हम बात करते हैं राज्य का स्वरूप क्या है। हालांकि हम मानते हैं, जितने भी विचारक हुए हैं वो ये मानते हैं कि राज्य जो है वो प्रभुत्व सत्ता संपन्न है, लेकिन जीडीएच कॉल ऐसा नहीं मानते। यहाँ प्रभुसत्ता का मीनिंग उन्होंने एक अलग ही वे से लिया है। प्रभुसत्ता का मतलब ये होता है कि सभी जो है व्यक्ति एक जो समुदाय है उसकी बात को मानेंगे। तो जीडीएच कॉल का ये मानना है कि समाज के सभी समुदाय अगर अपने जो नागरिक हैं या अपने जो सदस्य हैं, अगर वो उनके कार्यों को नहीं मानते तो उनको दंड देने की शक्ति है। दंड प्रभुसत्ता का मतलब भी दंड से ही जुड़ा हुआ होता है। दंड का अभिप्राय होता है अगर कोई व्यक्ति राज्य की बात नहीं मानता तो राज्य उसको सजा दे सकता है। लेकिन जीडीएच कॉल का मानना यही है कि अन्य समुदाय, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी अपने स्कूल या विद्यालय के कानूनों का पालन नहीं करता तो विद्यालय प्रशासन के द्वारा जो है उसको दंड दिया जाता है। तो अगर विद्यालय प्रशासन दंड देता है तो राज्य के अगर कार्यों की पूर्ति नहीं होती तो राज्य भी दंड दे सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अन्य समुदाय अगर उनके सदस्य उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो उनको भी दंड मिलता है तो राज्य भी दंड देता है। इस प्रकार राज्य का स्वरूप जो है अन्य समुदायों जैसा ही है, यह कोई विशेष नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यों के कार्यों की। राज्य का कार्य क्या है? जीडीएच कॉल का मानना है कि राज्य जो है वो आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना करे। सबसे पहली बात तो यही आती है
कि जीडीएस कॉल का ये मानना है कि समाज के अंदर बहुत सारे समुदाय हैं, राज्य भी एक समुदाय है, तो इन समुदायों के अंदर समन्वय करने का कार्य, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विद्यालय है, परिवार है, सामाजिक संगठन है, आर्थिक संगठन है, व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए जो संगठन बनाए हुए हैं, तो इन संगठनों में कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है, संघर्ष होता है, तो इन संघर्षों को मिटाकर इनके अंदर समन्वय का कार्य जो है वो भी राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। हाँ, जीडीएस को उनका ये जरूर मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, राज्य का कार्य केवल समन्वय करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो नेक्स्ट पॉइंट है कम्यून प्रणाली। कम्यून शब्द का अभिप्राय यही होता है, छोटे छोटे समुदायों में बटा होना, और खासकर अगर हम बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में, जैसे एक कारखाना है, कारखाने के अंदर मजदूरों का अलग संगठन बना हुआ होना चाहिए, इंजीनियर का अलग संगठन बना होना चाहिए, ये इस तरीके से छोटे छोटे जो है संगठन बने होने चाहिए जो कि अपने समूह को नियंत्रित करें। तो अगर कम्यून प्रणाली बनी हुई होगी तो वो संघर्षों को, जो विभिन्न समुदायों में संघर्ष होते हैं, उन संघर्षों को नियंत्रित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो जीडीएस कोड कम्यून प्रणाली के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी संबंधी विचार। अगर जीडीएस कॉल की बात करें तो जीडीएस कॉल फेबियनवादी रहे हैं, समाजवादी रहे हैं, और उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो ये समाजवाद की परंपरा चलाई, फेबियनवाद की परंपरा चलाई, उसमें जीडीएस कॉल का नाम महत्वपूर्ण आता है। तो जीडीएस कॉल ने ये कहा कि औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। औद्योगिक लोकतंत्र का अभिप्राय यही है, औद्योगिक एकल कारखानों के अंदर जो है मजदूरों के, मालिकों के अपने अपने जो है समूह बने हुए होने चाहिए, और उन समूहों के अंदर चुनाव होना चाहिए। चुनाव होने के बाद जो मुखिया बने वो अपने जो समूह बने हुए हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें। जिस प्रकार एक राजनीतिक लोकतंत्र होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उसी प्रकार जीडीएस कॉल का मानना है कि औद्योगिक लोकतंत्र होना चाहिए राजनीतिक लोकतंत्र की तरह। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसी के अंदर ही है। सबसे पहले उन्होंने माना कि राज्य को क्या कार्य है, राज्य को जो है समाजवाद से संबंधित क्या कार्य करने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि राज्य को व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जीवन स्तर, राज्य का मुख्य कार्य है अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। उसके बाद तीसरा कार्य है आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करना। यहाँ पर उल्लेखनीय है आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करने का, हालांकि जीडीएस कॉल का मानना है कि वो आर्थिक क्षेत्र में जो है कोई कार्य ना करे, लेकिन यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था का मतलब यही है कि पूंजी या वस्तुओं का उत्पादन या जिससे समाज के अंदर संघर्ष हो उसके लिए कानून व्यवस्था जो है उसको नियंत्रित करना राज्य का कार्य होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो भाषण की स्वतंत्रता हो, उद्योगों की स्वतंत्रता हो, व्यक्ति जो कार्य करना चाहे उसको जो है छूट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि उसके प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमताओं का इस तरीके से विकास करे कि उससे समाज कल्याण हो। मुख्य बात जो है वो ये है कि समाज कल्याण होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी अक्षमताओं का प्रयोग करता है तो वो इस तरीके से हो कि हमारे समाज जो है वो आगे की तरफ बढ़े, समाज के डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जीडीएच कॉल ने राजनीति को क्या दिया, या यूं कह सकते हैं कि जीडीएच कॉल की राजनीति को देन क्या है। अगर हम देन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण देन है वो है बहुलवाद का सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुलवाद, राज्य एक समुदाय है जैसे कि अन्य समुदाय है, इन समुदायों के कारण ही, हालांकि अन्य समुदाय अपने व्यक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं लेकिन राज्य भी नियंत्रण रखता है व्यक्तियों के ऊपर, तो कुल कहने का अभिप्राय यही रहेगा कि बहुलवादी समूह की देन जो है वो जीडीएच कॉल की है। दूसरा है फेबियनवाद।
फेबियन सोसाइटी के जो हैं अध्यक्ष रहे हैं जीडीएच पॉल, उनका यही मानना था कि व्यक्ति जो है वो अपने निजी हितों की बजाय जो है वो सभी समाज के व्यक्तियों को प्रेफरेंस दे, समाज के संपत्ति को माना जाए। इस फेबियन शब्द की उत्पत्ति जो है वो इंग्लैंड में हुई 1984 में, और फेबियन शब्द का नाम जो है ये फ्रैंक फोर्ड भार इंग्लैंड के एक राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये नाम दिया। या और इस विचार को मानने वाले, फेबियन वाद को मानने वाले, हमने नाम सुना है एनी बेसेंट का, सिडनी वर्मा का, इस तरीके के जो विचारक रहे उन्होंने जो है वो फेबियन वादी पद्धति को जो है काफ़ी प्रभावित किया। और उनका मानना था हम अगर फेबियन शब्द को देखना चाहें तो इसकी व्याख्या के रूप में हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर जो है या उद्योगों के अंदर सभी श्रमिक जो हैं अपने में से ही अपने एक अध्यक्ष का चुनाव करें, वही अध्यक्ष जो है वो कार्यों से संबंधित नियमों का निर्माण करें। कहने का अभिप्राय है मजदूर वर्ग है या उद्योगपति वर्ग है वो अपने चुनाव खुद करें और जो अध्यक्ष बने वही उनसे संबंधित जो है नियम कानून बनाए, तो यह है फेबियन वादी व्यवस्था कहलाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डे की, वो है श्रेणी समाजवाद। अब देखिए श्रेणी का अभिप्राय क्या है। श्रेणी हम यूँ कह सकते हैं कि समाज में जो है अध्यापक वर्ग है, डॉक्टर वर्ग है, या इंजीनियर वर्ग है, या फिर नर्सिस हैं हमारी, इस तरीके जो है हमारे समाज में श्रेणियाँ बनी हुई हैं। तो श्रेणी, अब ये श्रेणी का मीनिंग हो गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं समाजवाद। समाजवाद होता है उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार हो, जिसको जितनी जरूरत हो वह उतनी ही जो है अपना आधार ले ले। तो श्रेणी समाजवादी वेतन प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वेतन नहीं मिलना चाहिए, जिसको जितनी जरूरत हो उसको उतना ही मिले, लेकिन जरूरत के साथ साथ वो मजदूर वर्ग में रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। रचनात्मकता का मतलब ये नहीं है कि क्रिएटिविटी लाएं, वो नए नए तरीके से इन्वेंशन करें, उस इन्वेंशन को जो है वो महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने श्रेणी समाजवाद का समर्थन किया। इसके अलावा राज्य को क्या कार्य करने चाहिए, राज्य को सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए समाज के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, समन्वय का कार्य करना चाहिए, जो आपस में समुदाय हैं उनके अंदर अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का हल करना, या उन समुदायों के बीच में जो है संघर्ष को दूर करके या उनको दंड देकर किसी भी तरीके से समन्वय स्थापित करना। उसके बाद हम बात करते हैं कम्यून प्रणाली की। कम्यून प्रणाली वही, कम्यून का अभिप्राय यही होता है कि पूरा समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ हो और उन समूहों के अंदर आपसी संघर्ष ना हो और वो मिलजुल कर अपनी समस्याओं का समाधान करें, तो यही कम्यून प्रणाली कहती है। तो हम ये कह सकते हैं जीडीएच कॉल ने राजनीतिक को बहुलवाद का, फेबियनवाद का, श्रेणी समाजवाद का और कम्यून प्रणाली, ये जो है महत्वपूर्ण विचार है राजनीति के, ये देन जीडीएच कॉल की है। तो जीडीएच कॉल इंग्लैंड के महान विचारक रहे।